हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी मिश्रा एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल ब्लॉसम केमिस्ट्री क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन एट होम। टुडे वी विल लर्न आर यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स ऑफ क्लास 12। देयर इज़ अ वर्ड हेलो इन बोथ द वर्ड्स। यू आर वॉचिंग अ वर्ड हेलो इन hello with the alkanes and hello with the arenes. What is the meaning of hello? Children, in this section, it is the very first video of this chapter. So in this section, we will learn introduction of this chapter. What actually hello alkanes and hello arenes. आप किसी किसी बुक में चैप्टर का नाम देखेंगे अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। होप आपको हेलो और हैलाइड में कुछ रिलेशन लग रहा होगा। नाउ हेयर इट स्टार्ट्स। हेलो मींस हैलोजन। हेलो का मींस है हैलोजन, जिसको आप हैलाइड्स भी बोलते हैं। वी आर हैविंग 5 हैलोजन्स हेयर। द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द नोबल गैसेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन्स। 17 ग्रुप है, लास्ट ग्रुप से जस्ट पहले वाला ग्रुप वो होता है हैलोजन्स ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, दीज आर द हैलोजन्स। मैं आपके लिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी बना रही हूँ, लगा रही हूँ यहाँ पर। तो जो आपको 17 ग्रुप दिख रहा है फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड, 18 ग्रुप एंड बिफोर दैट द 17 ग्रुप इन ग्रीन कलर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, दीज आर हैलोजन्स। So what is the meaning of haloalkanes and arenes? Haloalkanes, alkane के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, either one or more, चाहे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, उनको रिप्लेस करेंगे by a halogen atom। उसी alkane को हम haloalkane कहने लगेंगे, या फिर उसी को हम alkyl halide भी कह सकते हैं। So here is the definition of it, the replacement of hydrogen atom or atoms, या तो हाइड्रोजन का एक एटम होगा या उससे ज़्यादा। So here it is written atom, ब्रैकेट में इसका मतलब है एटम और एटम्स, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एल्केन्स आर एलिफेटिक इन नेचर, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यू मे ऑल्सो से हैलोएल्केन्स। दीज हैलोएल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम जिस पर हैलोजन रिप्लेस होके आ रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, वो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज। रिमेंबर दिस लाइन चिल्ड्रेन, कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, हेलो अरेन्स। सेम डेफिनेशन रहेगी, बस वहाँ पर आप एल्केन की बात कर रहे थे, हम एलिफैटिक की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एरोमेटिक की बात करने लगेंगे। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम या एटम्स को रिप्लेस करेंगे बाय द हैलोजन एटम और एटम्स, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड अराइल हैलाइड या हेलो अरेन्स। सो डेफिनेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड और यू मे ऑल्सो से हेलो अरेन्स। बट इन दिस द हैलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द अराइल ग्रुप। इन हेलो एल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन था ऑफ द कार्बन एटम एंड इन हेलो अरेन्स देर इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, राइट। नाउ मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर। बहुत सारे ऐसे हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं और इनका क्लिनिकली बहुत यूजफुल है। ये दोनों ही तरह की वराइटीज़, बोथ वराइटीज़ मीन्स हेलो एल्केन और हेलो अरेन, बोथ द वराइटीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द लैब, इंडस्ट्रीज, फॉर द हेल्थ केयर एंड ऑल्सो फॉर द मेडिसिन।
बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपने खुद सुनी होंगी अपने आसपास कभी ना कभी, बट यू डोंट नो कि ये वही हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म, आप सबने नाम सुना है इसका। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी नाम सुना है। तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे बोथ एक्ट एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप सॉल्यूशन की जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ क्लिक करके सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में अगेन पढ़ सकते हैं। डीडीटी एंड बीएचसी, इन दोनों के नाम भी आपने बखूबी सुने होंगे। दीज बोथ आर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है इनको। क्लोरोएम्फेनिकॉल, इसी को क्लोरोमाइसिटिन कहते हैं। दिस इज एंटीबायोटिक यूज इन द टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट इज क्लोरोक्विन, इट इज ऑल्सो अ मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हेलोथेन इज एन एनेस्थेटिक विच इज यूज ड्यूरिंग द सर्जरी। एंड थायरॉक्सिन, वेरी नोन वर्ड, थायरॉक्सिन इज एन आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन, इट प्रोड्यूसेस बाय आर बॉडी। एंड ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर, जो गले में हो जाती है, जिनके गले फूल आते हैं, तो दैट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड गॉइटर। ये आयोडीन कहा जाता है ना, आयोडीन वाला नमक खाएं, तो वो क्या करता है, आयोडीन आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको अगर आयोडीन सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो थायरॉक्सिन प्रॉपर आपकी बॉडी में बनने लगता है और आपको गॉइटर की बीमारी नहीं होती है। चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन बहुत आता है, फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड बीएचसी। सो इसी स्लाइड में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। डीडीटी फुल फॉर्म इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगर आप कर्सर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज़ द सेकेंड कार्बन। तो दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर इनकी वैलेंसीज आप देख सकते हैं। तो ये तो इथेन हो गया, टू कार्बन इथेन। यहाँ पर आपको इस कार्बन से अटैच तीन क्लोरीन दिख रहे हैं, यानी कि हो गया ट्राईक्लोरो। इस वाले कार्बन पर आपको दो फिनाइल रिंग दिख रहे हैं एंड टू क्लोरीन अटैच टू ईच फिनाइल रिंग। सो डाइक्लोरो वन टू, डाइक्लोरो डाइफिनाइल वन टू, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है चिल्ड्रन C6H6Cl6, सिक्स कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑल द कार्बन हैविंग हाइड्रोजन एटम, सिक्स कार्बन सिक्स हाइड्रोजन एंड ऑल कार्बन हैविंग सिक्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। सो फुल फॉर्म, सॉरी, फॉर्मूला ऑफ दिस इज C6H6Cl6 एंड द फुल फॉर्म ऑफ बीएचसी इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चिल्ड्रन, आज के वीडियो में इतना ही। दिस टाइम इज़ वेरी टफ एज इट इज़ कोरोना सीजन, सो प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। इंडिया फाइट्स कोरोना, आप घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और इंडिया जीतेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर द वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट्स द नोट्स ऑल्सो डाउनलोड द वीडियो एंड यू कैन राइट द नोट्स सिंपली। थैंक यू एवरी वन।